Hello everyone, so once again we are back to continue with the chapter carbon and its compounds. हम यही chapter आगे continue कर रहे हैं. आज हम worksheet next discuss करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे carbon के compounds के बारे में with hydrogen. Compounds with hydrogen. In the last video और in the last worksheets आप लोगों ने ये जाना था कि carbon का atomic number होता है 6. तो अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, विन्यास लिखें, तो K में 2 एंड L में 4. मींस अगर हम कार्बन का ये न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसमें प्रोटॉन है 6 और K एंड L शेल. मैं अभी आपका थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करा रही हूँ. K एंड L 2 एंड 4. नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन नॉट टेक. 4 इलेक्ट्रॉन्स के इट कैन नॉट लूज इजिली. ना ये लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है. तो ये शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है. ये हमने बात की थी. अब इस साझेदारी के कारण, शेयरिंग के कारण, ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ अपने कंपाउंड्स बनाता है जिनमें सबसे मेन है हाइड्रोजन. अब ये सपोज करिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के और इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स आ गए, 4 परमाणु आ गए. तो ये इन सब के साथ इस तरह से शेयरिंग करके अपना भी ऑक्टेट, अपना भी अष्टक पूरा कर लेगा. और हाइड्रोजन को तो चाहिए ही 2, उसको तो अपना के कोष पूरा करना है. तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के साथ, जिनके साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड या सिंगल एकल आबंध बना लेगा. एंड अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र लिखें तो ये बनेगा CH4. और यहीं से इसी तरह के कंपाउंड और इसी तरह के यौगिक को हम अभी आगे इनकी सीरीज बढ़ाएंगे. तो ये इन्हें ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स हिंदी में भी आप इसे हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक. अब हाइड्रोकार्बन जो है ये 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त या जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं असंतृप्त या जिन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड. अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सैचुरेटेड से लर्न रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल से सैचुरेटेड याद रखेंगे. ठीक है, संतृप्त का मतलब है कि अब यहां हमने जो डिस्कस किया वहां तो एक ही कार्बन का परमाणु था. सपोज करिए कि कार्बन और कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक जोड़ा ये शेयर कर लेते हैं, तो इसके जो 3 बचे हुए हैं और इसके जो 3 बचे हुए हैं ये अब बाकी किससे जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन से. ये इस तरह से यहां हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, इसके पास भी हाइड्रोजन का, यहां भी हाइड्रोजन का और यहां भी हाइड्रोजन का. तो ये ऐसे वाली शेयरिंग कर लेंगे. लेकिन अब जो कार्बन है, दोनों कार्बन, इन्होंने एक जोड़ा, एक पेयर आपस में शेयर कर लिया और बाकी जो 3-3 इनके इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए. तो जो यौगिक बना, जो कंपाउंड बना, वो अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन का है, इसलिए ये भी हाइड्रोकार्बन ही है. इसी तरह से 3 कार्बन की चेन आएगी, फिर 4 की आएगी और आपको 6 कार्बन एटम्स की चेन तक की प्रैक्टिस करनी है या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो यहाँ ये 2 कार्बन एटम्स आपस में, 2 की चेन है और बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक जोड़ा कार्बन के एटम्स ने आपस में शेयर कर लिया, बाकी ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे. सो दे आर हाइड्रोकार्बन. अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई दे आर सैचुरेटेड और संतृप्त हाइड्रोकार्बन. अब इसी हम सीक्वेंस को अभी अनसैचुरेटेड भी मैं समझाऊंगी, पहले हम ये संतृप्त या सैचुरेटेड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले हम आगे कंटिन्यू करते हैं. इसमें अब क्या होगा, जैसे हमने 2 की चेन ली है, इन द सेम वे हम अब 3 कार्बन एटम्स की चेन लेंगे. ये एक 3 की चेन हो गई. आप यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं और जब आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा लाइन बना करके बॉन्ड दिखा देंगे. अब बाकी जगह 3 यहां, 3 यहां, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे रह गए हैं, 2, क्योंकि 2 तो यहां जुड़ गए, एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट में. तो यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, फिर यहां सारा HH आप लिख देंगे. इस तरह से ये 3 की चेन बन गई. इन द सेम वे फिर 4 की चेन आ जाएगी, ये
कॉर्नर्स वाले जो कार्बन एटम है वो तीन तीन हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और बीच वाले दो दो से जुड़ेंगे, बाकी आप एचएस कंप्लीट कर लीजिए। देन फिर पांच की चेन आ जाएगी, कॉर्नर वाले तीन बॉन्ड बनाएंगे अलग से मतलब कार्बन के अलावा, और बीच वाले दो दो बनाएंगे। इन द सेम वे ये छह कार्बन एटम्स की चेन आ जाएगी, कॉर्नर्स वाले तीन हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, बीच वाले दो दो से जुड़ेंगे। फाइन, यहां हम एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये वही था जो सिंगल कार्बन था और चारों तरफ ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और एक हमने जो अभी ब्लैक बोर्ड ड्रॉ करने से पहले बनाया था उसमें दो की चेन थी, दोनों ही तीन तीन हाइड्रोजन से ज्वाइन होंगे। अब ये जो सीरीज है इस तरह की, जो सीक्वेंस बने, जो श्रृंखला बने, इसे कहते हैं आपके ये सारे संतृप्त हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि दो कार्बन के एटम्स या परमाणु आपस में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक एक जोड़ा ही आपस में शेयर कर रहे हैं या साझेदारी कर रहे हैं। तो संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको कहा जाता है एल्कीन। इनका एक जनरल नाम है जिसमें पीछे नाम आएगा ईन। अब यहां पर अगर एक ही कार्बन एटम है तो इसका नाम होगा मिथ, और क्योंकि सिंगल ही बॉन्ड है सारे तो एन, मिथेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा CH4। इन द सेम वे यहां ये दो कार्बन एटम है, इसका नाम होगा एथ, और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, इंग्लिश में हम लिखेंगे इथेन, C2H6। कार्बन के दो और हाइड्रोजन के तीन इधर और तीन इधर। इन द सेम वे अगर हम इसको देखें, ये तीन के तीन है, कार्बन के तीन की चेन है, तीन वाले का नाम होता है स्टार्ट प्रोप, और क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3H2O3, और H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। ये चार की चेन आ गई, चार वाले का नाम स्टार्ट होता है ब्यूट, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूट एन। ये ध्यान रखेंगे ये जो पीछे प्रीफिक्स लगा हुआ है एन, ये इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और C4H काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पांच वाले का नाम शुरू होता है पेंट और एन, पेंटेन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र क्या बनेगा C5H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में आएगा छह वाली चेन हेक्स ए, हेक्स, और लास्ट में प्रीफिक्स लगेगा एन, C6H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप इनके जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास पे ध्यान दीजिए, ये जो आणविक सूत्र है C1 कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 1, और ये है 4, यहां पे देखेंगे 2 6 3 8। हम अभी रिलेशनशिप सेटअप कर रहे हैं इनके बीच में, 4 10 5 12 6 14। अब जरा देखिए 1 का डबल करो और फिर उसमें +2 कर दो, तो 2 + 2 = 4 आ गया, 1 का डबल और 2+। सिमिलरली 2 का डबल + 2, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 4 + 2 = 6, मिल गया आपको ये 6। इन द सेम वे 3 का डबल फिर +2, तो 3 का डबल होगा 6 6 + 2 = 8, 4 का डबल 8 + 2, 5 का डबल 10 + 2 = 12, 6 का डबल 12 + 2। तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का बना CnH2n+2, यानी जितने कार्बन के परमाणु हैं, n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो हाइड्रोजन के उसका डबल प्लस टू होंगे, यानी कार्बन के अगर देखिए यहां पर दो हैं तो 2 का डबल 4 + 2 = 6, हाइड्रोजन के 6 आएंगे। अगर यहां देखिए हेक्सेन के n इज 6, तो 6 का डबल 12 + 2 = 14 होंगे। तो ये जो सीक्वेंस होती है हाइड्रोकार्बन्स की, इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें कि सारे कंपाउंड जो एक के बाद एक है सबका जनरल फॉर्मूला होता है, सब एक ही जैसे फॉर्मूले को फॉलो करते हैं।
और अगर आप डिफरेंस देखें तो कार्बन का एक बड़ा एटम तो हाइड्रोजन के दो बढ़ गए, इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो CH2 का है, इन दोनों में देखें तो कार्बन का अगर एक बड़ा एटम तो हाइड्रोजन के दो बढ़ गए। ये जो होमोलोगस सीरीज होती है इसके जो लगातार वाले मेंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स उनमें डिफरेंस रहता है CH2 का, कार्बन का एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के दो बढ़ जाएंगे एटम्स अगले वाले कंपाउंड में। सो ये एल्केन की सीरीज है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है, हेक्सेन। अब हम ये हमने बात की थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि अब हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। पहले हम डबल बॉन्ड को देखते हैं। अब सपोज करिए ये दो कार्बन, यहां पर जो सीरीज है जो श्रृंखला है वो सिंगल से स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं, ये तो सिंपल फिर वही मिथेन हो जाएगा और मिथेन कौन सी सीरीज का है, एल्कीन का। तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर दो कार्बन यानी कि इसकी जो सीरीज है जो श्रृंखला है उसमें कम से कम दो कार्बन एटम या दो कार्बन के परमाणु होने जरूरी है। अब इनके फिर वही चार इलेक्ट्रॉन आप शो कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये कहते हैं कि ना हम हाइड्रोजन जो है वो कहता है कि मेरे पास तो भाई दो ही हैं हम, और ये भी इधर से कहते हैं कि हम दो, हम टोटल ही चार ला सकते हैं। तो इन्होंने इनके साथ तो बना लिए बॉन्ड, हाइड्रोजन को इनको तो मिल गया अपना, इनका पूरा हो गया डुप्लेट पहला वाला के कोश। अब ये कार्बन वाले कहते हैं कि चल हम क्या करते हैं, हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं, अब हाइड्रोजन या कोई और तो हमें मिल नहीं रहा तो हम ये आपस में ही शेयर कर लेते हैं, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शो कर लीजिए। तो दो जोड़े इन्होंने आपस में ही साझेदारी कर ली, उनकी शेयरिंग कर ली, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजनों से चार मिल गए और एक दो तीन चार तो ये अपने हैं, चार ये हो गए तो आठ इनके अपने पूरे हो गए। सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, ये अलग अलग से हम दिखाएंगे इसे, विद अ मिनट एक सेकेंड। ये जो कार्बन है इसकी इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि ये एक दो हाइड्रोजन इधर से, दो साथ वाले हाइड्रोजन से, चार अपने हैं, और ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये इस तरह से बनाएगा, ये अपना जो ऑक्टेट है वो ऐसे पूरा करेगा, दो हाइड्रोजन के ये चार अपने और दो इस वाले कार्बन के साथी कार्बन के। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप ऐसे डबल बॉन्ड शो करेंगे और बाकी तरफ ऐसे ऐसे यहाँ हाइड्रोजन शो कर देंगे। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र, आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु कहते हैं हिंदी में। C2H कितने हैं, फोर। अब हम तीन की चेन ले लेते हैं, तीन कार्बन एटम है, अब किसी एक में तो सिंगल बॉन्ड है और दूसरे वाले जोड़े में डबल बॉन्ड है, दोनों में डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसी एक में। अब मान लीजिए चार वाली है, चार की चेन है तो हर जगह सिंगल है, कहीं बस डबल है। तो यहां पे ये दो जोड़े बन गए इधर, अब इसके कितने बच गए, दो, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, इसके तो तीन शेयर हो गए तो एक ही बचा जो हाइड्रोजन से जुड़ा, इसके तीन बचे हुए तो ये तीनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, C3 H कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ, H6। अब यहां देखेंगे चार की चेन है, चार कार्बन एटम्स की चेन है परमाणुओं की, कहीं पर भी एक, यहां डबल बॉन्ड बना लो चाहे यहां बना लो और नहीं तो चाहे फर्स्ट वाले पे बना लो, बाकी इधर बनाओगे या इधर बनाओगे जहां भी डबल बॉन्ड होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, हम उसी को पहला कार्बन एटम मानेंगे। सपोज हमने यही बना लिया, अब दो तो इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बाकी दो किससे जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसके तीन जुड़ हो गए हैं पूरे, एक दो तीन, तो इसका एक ही बचा, इसके दो यूज हुए लेफ्ट और राइट साइड पे, तो दो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और ये तीन। अब हम देखेंगे सी कितने हैं, फोर, और एच कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, H8। इसी तरह से आप आगे वाले भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इनके नाम देखते हैं, कार्बन के दो हैं तो नाम शुरू होगा एथ, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड वाले हैं, अनसेचुरेटेड हैं, या यूं कह लें हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनके नाम के पीछे आता है एथीन,
इन, जैसे उसमें एन आ रहा था इसमें इन, या इसमें इन आएगा उसमें एन आ रहा था। अब तीन वाला है तो इसका नाम शुरू होगा प्रोप। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है किसी एक जोड़े के बीच में, पेयर के बीच में, तो प्रोपीन, प्रोपीन। ये चार वाला है, नाम शुरू होगा ब्यूट, और कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड है पूरी चेन में, तो इन ब्यूट ई। जो सिंगल बॉन्ड वाले थे वो एन पे खत्म होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनका प्रिफिक्स, उनका सब जो प्रिफिक्स है वो इन आएगा। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या बना, देखिए 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ऐसे ही अगर आप 5 वाले का बनाएंगे तो वो 10 आएगा, 6 वाले का बनाएंगे तो C6H12 आएगा। जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, जैसे उसमें 2n+2 था ये CnH2n। अब अनसेचुरेटेड की एक और कैटेगरी भी है जिसमें, अब जिसमें यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहेगा, यहां एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये दो कार्बन बैठे हैं ठीक है, इनके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है अपने। अब इनको हाइड्रोजन कहता है कि भाई मैं तो एक ही इधर से आ रहा हूं और एक इधर से आ रहा हूं, ये तो अपना पूरा करके बैठ गए। अब ये कह रहे हैं भाई हमारे पास तो तीन और पड़े हैं, हम क्या करें, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हम आपस में ही शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहां कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हो रहे हैं, 3 पेयर, 3 जोड़ों की साझेदारी हो रही है। तो इन दैट केस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन एक एक जुड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या चेंज होंगे, C2H2, और नाम में क्या चेंज होंगे, एथाइन। अब इनके जो पीछे सफिक्स लगता है एथाइन, एथ नाम तो आना ही आना है, एथ का मतलब है कि दो कार्बन के एटम है, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, YNE। इसी तरह से यहां पर चेंजेस करेंगे, एक ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 की चेन है ना, तो कहीं एक जगह ही डबल का ट्रिपल बॉन्ड होना है। अब यहां पे ये 3 इसके यहां जुड़ गए, एक यहां जुड़ गया, तो ये हाइड्रोजन चल भाई तू जा इसकी जरूरत नहीं है, ये 3 इसने यहां पेयरिंग कर ली, एक यहां कर ली, तो इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया जाएगा। अब अभी आप इस फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, ये हमने एल्कीन का लिखा हुआ था, है ये भी अनसेचुरेटेड, लेकिन अब ये कौन से वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले, या यूं कहें त्रि आबंध वाले, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3 जोड़ों की शेयरिंग हो रही है। जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं, C3H कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4, और नाम क्या बनेगा, प्रोपाइन। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम है, तो नाम में प्रोप तो आना ही आना है, प्रोप आइन, प्रोपाइन ठीक है। अब यहां 4 में देखते हैं, ये डबल बॉन्ड था, अब ये कहेगा जी हम आपस में ही शेयरिंग कर रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पेयर यहां शेयर हो गए और एक हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब 3 इसके यहां, एक यहां, तो ये वाले हाइड्रोजन की भी जरूरत नहीं है, बाकी एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 कार्बन के एटम है, 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि H6। और नाम क्या बनेगा, सोचिए सोचिए, आप खुद सोचिए क्या नाम बनेगा, लगाइए लगाइए अंदाजा, ब्यूटाइन। वैसे अंदाजा क्यों लगाएंगे, कंफर्म होना चाहिए, ब्यूटाइन, आइन सफिक्स आ जाएगा। इन द सेम वे अब C5 होगा, तो हम देखते हैं H कितना आएगा, यहां से देखिए 2, 2। अब यहां पे ये मत सोचना जितने N है उतने ही हाइड्रोजन है, नहीं, अगला फॉर्मूला देखेंगे फिर जनरलाइज करेंगे। 3 और ये 4, 3 का डबल 6, उसमें से 2 माइनस करो, 6 माइनस 2, 4, अब आया 4, 4 का डबल फिर -2, यानी कि 8 माइनस 2, ये आया 6, गेटिंग। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2, यानी जितने कार्बन है उसका डबल करिए फिर -2 करिए, जैसे एल्केन में आपने एल्केन की सीरीज में क्या किया था, CnH2n+2 था, यहां 2n-2 है। तो अगर 5 हैं तो बताइए क्या होगा आंसर, एच कितने होंगे, 5 का डबल 10, 10 में से 2 माइनस 8, और अगर C6 है तो क्या होगा, 6 का डबल 12, 12 माइनस 2, 10। इसका नाम बताएंगे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, फॉर्मूला देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, सिंगल वाला बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो ये 6 का डबल 12 माइनस 2, यानी माइनस हो रहा है डबल के बाद, यानी कि ये
अनसेचुरेटेड या असंतृप्त है और साथ ही ये त्रियाबंध या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। और ट्रिपल बॉन्ड वालों के नाम के पीछे आयन आता है वाई एन ई, और पहले सिक्स लिखा होने का मतलब है हेक्साइन, ये नाम बनेगा हेक्स आयन। हेक्स जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कार्बन की परमाणुओं से है, और ये पीछे का जो आयन ईन या एन है वो सिंगल के लिए एन, डबल के लिए ईन और ट्रिपल के लिए आयन होता है। तो इस प्रकार ये होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने की है एल्केन एल्कीन और एल्काइन्स की, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कार्बन की जो चेन्स होती है इनमें कई बार ये हाइड्रोजन हटके कुछ और आ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स में भी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जबकि फॉर्मूला सेम रहेगा, हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। सो टिल देन रिवाइज इट प्रॉपरली, कार्बन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसी तरह से इनकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपको आ गए तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी और आपका मन करेगा मुझे ऐसे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिले, मुझे मैम और स्ट्रक्चर दो, मैंने और इसमें मैं बनाऊंगा या मैं फॉर्मूला करूंगा, इस तरह की बातें भी स्टूडेंट्स करते हैं। तो एक बार आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा और वो तभी आएगा जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन प्रैक्टाइज इट एंड एंजॉय लर्निंग।